कोई किसी की घर की बच्ची बेटी बहन 99.9% सुरक्षित नहीं है इन दरिंदगों से सर। इसीलिए इतनी बड़ी धूप, 200 किलोमीटर का पदयात्रा, मरने की तैयारी नहीं उसका सर। लेकिन इससे ज्यादा, हमारी जिंदगी से ज्यादा आज उनकी जिंदगी मुझे जरूरत है सर। जिस तरीके से सिगरेट दाग करके, पोर्न दिखा करके नेताओं को परोसा गया, शेल्टर हाउस की बच्चियों को बलात्कार करवाया गया, छोटी चीज नहीं है सर। इसलिए लड़ाई बहुत बड़ी है, छोटी नहीं होगी, युद्ध होगा सर। मैं जानता हूं हमको मरवाने की कोशिश होगी, क्योंकि सबको पता है कि पप्पू यादव को नहीं खरीदा जा सकता, न प्रभावित किया जा सकता, न मरवाया जा सकता। कोशिश होगी और इसमें नेता इन्वॉल्व होंगे सर। आप देख लीजिएगा, मैंने पहले भी लिख के दिया हुआ है होम मिनिस्टर को भी, सबको, क्योंकि मेडिकल के खिलाफ लड़ा हूं। 20 तारीख से मैं जितना पैथोलॉजी और फर्जी डॉक्टर है उसके खिलाफ अभियान पटना से शुरू करूंगा। जितने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं, जो पैथोलॉजिस्ट MD नहीं है वो पैथ नहीं खोल सकते। इसलिए लड़ाई मेरी पटना से शुरू होगी। देखिएगा, वो लोग भी मरवाना चाहेंगे, पहले भी डॉक्टर नहीं मरवाने की कोशिश की। एजुकेशन माफिया पर ऑर्डर आया हुआ है, वो भी मरवाना चाहेंगे। तो हमारी लड़ाई राजनीति नहीं है सर। मैं एकदम स्पष्ट जानता हूं, सेवा धर्म राजनीति नहीं हो सकता। मेरे यहां 2000 आदमी 88 से खाना खाते हैं देश भर में, सेवा आश्रम में, मुझे वोट नहीं मिलता। डेली 1-2 लाख पैसे मेरे दोस्त हमारे कहने पर गरीबों को देते हैं सर, मदद करते हैं। ये राजनीति धर्म नहीं है, वो सेवा धर्म बिल्कुल डिफरेंट। ये पदयात्रा राजनीति धर्म नहीं है सर। जात पात और धर्म, जितना भगवान उतना जात, जितना धर्म उतना जात, ये तीन चीज देश को बर्बाद करके दम लेगा सर। हम चाहते हैं इन बलात्कारियों को नंगा करना, इन नेता पदाधिकारियों को नंगा करना, इन रसूखदारों को समाज में बताना कि नेता से कोई बचने नहीं बच सकता। ये नेता अपने पैसे रसूख से ऐसे ही ब्रजेश ठाकुर मनीषा दयाल को पैदा करते हैं, और फिर ऐसे लोगों से कई मनीषा दयाल है सर, सब नेता के तस्वीर। ये नेता विदेश में जाके प्रमोट कर रहे हैं। बिहार सरकार 28 लाख रुपया क्यों दिया सर भोजपुरी प्रमोट करने के लिए मलेशिया में? क्यों ये मेंबर बनी मधु सर? क्यों बिना अखबार के, जिसका अखबार नहीं निकलता तो उसको एडवर्टाइजमेंट दिया गया सर?